देखिए ये है SBI बैंक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग फ्रॉम बीटी कैडी 28। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल अंदाजी व्लॉग्स में। तो दोस्तों 3 दिन हो चुके हैं हमारे रूम में, 3 दिन, 3 दिन से पानी की एक बूंद देखने को नहीं मिल रही है। बाल्टी पकड़ पकड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है पानी भरने के लिए। अब बताओ ऐसी हालत हम लोगों की, नहाना तो दूर की बात, मुंह धोने के लिए पानी हो जाए वही बहुत बड़ी बात हो रही है आजकल। बहुत परेशानी है यार बीटी के आईडी में पानी की, पता नहीं यार, पता नहीं तब छोटा था तब भी, पर जो पहले बीटे करते थे उन लोगों से भी यही समस्या सुनी। फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, फिर वहाँ जो हमारे साथ के बच्चे आए बीटी के आईडी में उनसे भी यही समस्या सुनी। आज मैंने फिर बीटे के बाद नौकरी करी 3 साल, अब मैं एमटेक करने के लिए आया यहाँ पर, मैं भी यही समस्या देख रहा हूँ यार। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी बीटी के आईडी की यार, पता नहीं भाई लोगों, ये सब भगवान भरोसे है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या नहीं चल रहा है, बहुत हालत ख़राब है यार। तो चलो कोई नहीं, समस्याओं के साथ तो जीना है ही, तो चलो चलते हैं कॉलेज को और आप लोगों को आज पूरा दिन एंटरटेन करते हैं। सो गाइस, अब तुम ट्रांजिट से पहुँच गए हैं कॉलेज और थोड़ा अपना काम वाम कर लेते हैं। आप देख ही रहोगे कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, तो चलो अपना थोड़ा प्रोजेक्ट का काम कर लेते हैं, वही एनसीस भी करता होता है हम लोगों को, और थोड़ा काम वाम करते हैं, फिर थोड़ी देर में और आपको एंटरटेन करेंगे। तो चलो कॉलेज पहुँच ही गया हूँ, थोड़ा काम वाम निपटा लेता हूँ। सो गाइस, अब हो गया लंच टाइम, दिन के बज गए हैं 1, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ठंडा बहुत बढ़ गया यार दौरान में, ठंडा लग रहा है लैब के अंदर बैठे बैठे, ऐसा कपाट हो जा रही शरीर में, क्या कहूँ आप लोगों को। ठंडा तो है मगर क्या करें, सहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री लेने आए तो डिग्री तो पूरी करनी ही करनी है, ठंडे को सहन करना ही है। और कोई नहीं, तभी लंच टाइम में थोड़ा बहुत धूप के मज़े हम लोग ले ही लेते हैं, संडे वनडे को आराम से छत में बैठ जाते हैं हॉस्टल की, धूप के मज़े हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं भी खाना खाने, और आप लोग बने रहो वीडियो में, और आप लोगों को पूरा दिन इंटरटेन करता रहूँगा मैं, आप लोग बस वीडियो में साथ दो, भाई को सपोर्ट करो। चलो फिर, और ज़िंदगी के मज़े ज़रूर लेना भाई, देखो ज़िंदगी का कभी किसी का कुछ नहीं पता, इसलिए मज़े पूरे लो ज़िंदगी के, इसलिए खुशी खुशी जाओ तो बढ़िया रहता है ना। अब यार खाली काम ही कर रहे हो, काम ही कर रहे हो, या पढ़ ही रहे हो तो क्या ज़िंदगी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी करो, मगर थोड़ा थोड़ा अपने के लिए भी टाइम निकालो, घूमो फिरो, ऐस करो। चलो चलो चलते हैं खाना खाने। गाइस देखिए, ऐसी गाय बच्चे सिर्फ आपको बीटी के आईडी कॉलेज में दिखेंगी, और कहीं के कैंपस में ऐसा नहीं दिखेगा। आप बताइए आपके कॉलेज में ऐसा दिखता है नहीं दिखता है, मगर बीटी के आईटी में गाय बच्चा जरूर आपको दिखते रहेंगी। गाइस आप लोग, अब हम लोग खाना खा के आ गए, तो आज आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बीटी के आईटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसमें एक इन्फॉर्मेशन आज एक और जोड़ देता हूँ। आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बीटी के आईटी में कितने बैंक हैं। तो चलो चलता हूँ और आप लोगों को बीटी के आईटी में बैंक दिखाता हूँ, और कहाँ पर है ये लोकेशन भी आप लोगों को मैं आज दिखा दूंगा, तो आप लोग फायदे में रहोगे, तब भी आप बीटी के आईडी आओगे। तो चलो चलते हैं। देखिए ये है SBI बैंक, बीटी के आईडी 28 में एक सिंगल बैंक है ये, ज़्यादा ऊपर को नहीं दिखा सकता क्योंकि धूप उतरगी तब से आ रहा है, तो आप लोगों को पूरा दिखेगा नहीं। यहाँ कहाँ पर पड़ता है दिखाता हूँ आपको, ये त्रिशूल हॉस्टल है इसके इधर को, और एक ये केंद्रीय कार्यशाला भवन है, और इधर पे आपका ट्रांजिट हॉस्टल है, आपको पूरी लोकेशन दिख रही होगी। एक लौता बैंक है पूरा बीटी के आई टी 28 में SBI का, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जब जरूरत पड़े तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। छोटा सा बैंक है ये, जो इतना हिस्सा दिख रहा है यही है बस। चलो अब आपको बैंक भी दिखाई दिया और लोकेशन दिखाई दी कहाँ पर पड़ता है, तो आप लोग जब भी आएँ बीटी के आई टी तो आपको बैंक ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस आप लोगों को SBI बैंक दिखाई दिया, बीटी के आई टी में सिर्फ एक सिंगल बैंक है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा नो मैटर, जस्ट आप लोग अपने कमेंट हमारे पास जरूर भेज देना। और क्या कहते हैं, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं भी 1 साल तक हूँ बीटी के आईटी में, तो आपको लोगों को सारी की सारी आसपास की लोकेशन है मैं कवर करूँगा यहाँ की। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय।